थाना बिलसंडा के अंतर्गत ग्राम आजमपुर बरखेड़ा का मामला। एक गरीब लड़के को बिना शिकायत पत्र के ही उसके घर से उठा लाए पुलिस वाले, जो कि 10 दिन पहले वह कश्मीर में काम करके घर आया था। लेकिन माता पिता न होने के कारण वह आश्रम पर अधिकतर रहता है, लेकिन उसका कोई गुनाह नहीं था। फिर भी थाना बिलसंडा की पुलिस उसे थाने लाई और 10,000 की मांग की थी, जो कि उस गरीब के पास इतना पैसा नहीं था। फिर भी 151 में उसका चालान कर दिया गया, लेकिन ना कोई शिकायत ना कोई सूचना। किस बात को लेकर थाना इंस्पेक्टर चालान किया है? क्या संविधान में यही लिखा है कि किसी गरीब मजदूर आदमी को उठा लाएं और उससे पैसे मांगे? सर, पैसा ना दिए तो 151 में चालान कर देते हैं। चेक कहाँ कान नहीं आए हैं? थाना बिलसंडा का है पूरा मामला। क्या नाम है तेरा? उमेश। क्या हुआ? कश्मीर से मैं अभी 10 दिन पहले आया हूँ। ग्राम आजमपुर बरखेड़ा, बट्टे पैसे काम करके मैं घर आया। पुलिस ने मुझे उठा लिया वहाँ से। मैं स्थान पे रहता हूँ, सिमंदिर के हमारे यहाँ स्थान है जी। पुलिस ने उठा के मुझसे कह रहे गुंडा एक लगाएंगे और गैंगस्टर लगाएंगे और 10,000 रुपए दो, तो मेरा 151 में चालान कर दिया। मेरा कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं है, ना कोई शिकायत है, ना कोई शिकायत है सर। खाली ऐसे ही? खाली ऐसे ही। अच्छा, पैसे किसने मांगे थे? कोतवाल साहब ने। कोतवाल साहब, थाना बिलसंडा जी? बिलसंडा जी। फिर महात्मा लोगों ने, मतलब मैं यहाँ मंदिर पे रहता हूँ, महात्मा लोगों ने मेरी हेल्प करी, तब उन्होंने जाके 151 में चालान कर दिया। उसके बाद मैंने जमानत करा के मैं अपने घर आ गया। और मतलब कह रहे गांव में दिख गया तो गुंडा एक लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। माता पिता हैं नहीं हमारे, बताओ फिर हम क्या करें इस बात में। स्टार 7 टीवी न्यूज के लिए छत्रपाल की रिपोर्ट।